आज की वीडियो में मैं आपको घर पे बटर पेपर बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये देखें, ये वाइट पेपर मैंने लिया है। आप जनरल कापी का भी पेपर ले सकते हैं। ये फोटोस्टेट का आम पेपर मिल जाता है। अब ब्रश की मदद से इस पर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। आप टिश्यू पेपर से भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। इसको हर तरफ से इस पर ऑयल पेंट लगा लेंगे, यानी डिप कर लेंगे थोड़ा सा। अब ये देखें, इस पर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया है हर तरफ से ब्रश से। लेकिन अगर इसमें ज़्यादा लगा हुआ हो तो फिर हम टिश्यू पेपर से इसका एक्स्ट्रा पोंच लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छा और परफेक्ट बटर पेपर बना है। अब इसको आप बेकिंग में किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ट्रे में रखना चाहें तो उस ट्रे की साइज़ का इस तरह लगा लें, ज़्यादा हो तो एक्स्ट्रा आप काट लें। फिर इसके ऊपर आप बेकिंग करें, जो भी कुछ आप बनाना चाहें बटर पेपर वाला, तो आप इस पर बेकिंग कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मैं काट लूँगी। इसको आप बना के रखेंगे तो ये पुराना होगा तो और परफेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा अरसे आप नहीं रख सकते इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल ऑयल की वजह से आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक महीना तक रख सकते हैं। अब ये देखें, ये किसी भी सांचे का जितना आप काटना चाहें तो पहले पेपर काट लें। और ये इस राउंड शेप में पहले काट लें। किसी भी सांचे या मोल्ड के लिए आपने बनाना हो तो पहले कटिंग कर लें और फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएं। जब बटर पेपर नहीं होता था आम, तो सब लोग इसी तरह ही बनाते थे पेपर की मदद से। बेकरीज़ में ब्राउन पेपर भी यूज़ होता है, वो भी जो हम खाकी पेपर बचपन में कापियों पे लगाते थे उससे बनाते हैं। इसको सांचे में अब रख लें। इस तरह जिस तरह का आप बनाना चाहें तो फिर आप बना सकते हैं इसी से। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।